Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a pendulum clock gives the correct time at 20 degrees Celsius at a place where g is 9.8 meter per second square. The pendulum consists of a light steel rod connected to a heavy ball. It is taken to a different place where g is 9.788 meter per second square. At what temperature will it give correct time? Coefficient of linear expansion of steel is given. Okay. सो हमारे पास एक पेंडुलम क्लॉक है, समथिंग लाइक दिस. इस तरह से एक क्लॉक है एंड इसमें हमारे पास पेंडुलम अटैच है. नाउ हमारे पास एक प्लेस है, लेट्स से प्लेस वन. प्लेस वन में जो टेम्परेचर है दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे जो जी का वैल्यू है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेट्स से एट 20 डिग्री सेल्सियस द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम इज़ एल वन. इट मीन्स प्लेस वन में जो लेंथ है इस पेंडुलम का दैट इज़ एल वन. कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम एट प्लेस वन. प्लेस वन में इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है लेट्स से टी वन, दैट विल बी टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. एल कितना है? एल वन डिवाइडेड बाई जी, दैट इज 9.8. नाउ हमारे पास एक और प्लेस है, लेट्स से प्लेस टू. एंड इस प्लेस में जो टेम्परेचर है वो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से द टेम्परेचर इज टी टू, राइट. सो आप देखो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 20. और प्लेस टू में जो टेम्परेचर है दैट इज़ टी टू. इट मीन्स जब हम इस क्लॉक को प्लेस वन से प्लेस टू में ले जाएंगे देन जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा. कैन यू फाइंड आउट चेंज इन टेम्परेचर? डेल्टा टी, दैट विल बी टी टू माइनस 20, राइट. सो अगर टेम्परेचर चेंज होता है देन जो लेंथ है इस पेंडुलम का वो भी चेंज हो जाएगा. कैन यू फाइंड आउट न्यू लेंथ? लेट्स से एल टू. न्यू लेंथ दैट विल बी एल वन, वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट. एल वन क्या है? इनिशियल लेंथ. एंड अल्फा क्या है? कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द स्टील, है ना, बिकॉज ये जो पेंडुलम है ये स्टील का बना है. एंड डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, जिसका वैल्यू कितना है? टी टू माइनस 20. और जो जी का वैल्यू है प्लेस टू में, द वैल्यू ऑफ जी इज 9.788 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ पे जो न्यू टाइम पीरियड आएगा लेट्स से टी टू, दैट विल बी टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. लेंथ कितना है? एल टू, दैट इज़ एल वन, वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई जी. जी कितना है? 9.788, राइट. नाउ व्हाट इज़ गिवन? कि प्लेस वन में ये जो क्लॉक है वो करेक्ट टाइम देता है. इट मीन्स टी वन टाइम पीरियड के लिए ये जो क्लॉक है वो करेक्ट टाइम देता है. सो आप देखो कि अगर हमें प्लेस टू में भी करेक्ट टाइम चाहिए देन जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो चेंज नहीं होना चाहिए. बिकॉज हमने एसएचएम वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज होता है देन आइदर इट गेन्स टाइम और लूजेस टाइम, है ना. अगर हम पेंडुलम के टाइम पीरियड को चेंज करते हैं देन जो क्लॉक है वो या तो टाइम गेन करता है या फिर लूज करता है, राइट. सो इफ द क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम एट बोथ द प्लेसेस, इट मीन्स जो टाइम पीरियड है वो दोनों प्लेस पे सेम है. सो वी कैन से टी वन इज इक्वल टू टी टू. सो जस्ट इक्वेट कर दो, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल वन डिवाइडेड बाई 9.8, दैट इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल वन, वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 9.788. सो यहाँ से चेक करो, टू पाई कैंसिल हो गया एंड एल वन कैंसिल हो गया. नाउ हम स्क्वायर ले लेते हैं सो रूट हट जाएगा. 1/9.8 दैट विल बी इक्वल टू 1 + α इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 9.788. सो यहाँ से ये जो 9.788 है ये यहाँ पे चला जाएगा, राइट, न्यूमरेटर में. एंड अल्फा डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल टू 9.788 डिवाइडेड बाई 9.8 माइनस 1. सो एलसीएम ले लेते हैं, सो इट विल बी 9.8 और ये इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, राइट. सो ये कितना आएगा? न्यूमरेटर में आएगा माइनस ऑफ 0.012, राइट. इस तरह से देखो 7.88 और ये 9.8, राइट, डिवाइडेड बाय 9.8 और ये है अल्फा डेल्टा टी. सो डेल्टा टी अल्फा को यहाँ डिवाइड में भेजते हैं, 1/α. अल्फा का जो वैल्यू है दैट इज 12 × 10⁻⁶. सो 12 × 10⁻⁶. सो ये जो 0.012 है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 × 12 × 10⁻³, राइट. सो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 10⁻³. सो इट मीन्स डेल्टा टी इज 10⁻³ माइनस ऑफ 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9.8. लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू.
So 1000 डिवाइडेड बाय 9.8, सो दैट इज़ 102. सो इट मीन्स ये कितना आएगा, माइनस ऑफ 102. डेल्टा टी, डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो देखो, डेल्टा टी इज़ T2 माइनस 20. सो जस्ट पुट इट, सो T2 माइनस 20 दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 102. इट मीन्स T2 दैट इज़ इक्वल टू 20 माइनस 102, सो दैट इज़ माइनस ऑफ 82 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो जो टेम्परेचर का वैल्यू है प्लेस टू में कितना होना चाहिए, -82 डिग्री सेल्सियस, सो दैट प्लेस टू में जो क्लॉक है वो एग्जैक्ट टाइम देगा, है ना, सेम टाइम देगा. जो प्लेस वन में जो टाइम था वही टाइम होगा प्लेस टू में भी, इफ़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट प्लेस टू इज़ -82 डिग्री सेल्सियस, सो दैट जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो चेंज नहीं होगा. सो जो क्लॉक है वो एग्जैक्ट टाइम देगा दोनों ही प्लेस पर. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.